If mod of z is equal to 3, then point represented by 2 minus z lie on the circle. तो अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये किस सर्कल पे लाई करता है, क्वेश्चन ये आती है। तो हमें क्या पता है, अगर हम देखेंगे तो हमें पता है मोड जेड हमें गिवन है इक्वल टू व्हाट, मोड जेड इज इक्वल टू 3। तो जेड की वैल्यू क्या है, तो जेड आ गया हमारे पास में क्या, या फिर मैं जेड को क्या बोल सकता हूँ, मोड जेड इज इक्वल टू 3 है। तो जेड अगर मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर विच इज 9। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे ये क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, तो अगर ये हमारे पास में वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस, तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारे पास में पॉइंट है क्या, एक सर्कल है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। ओके, दिस इज अवर सर्कल। अब हमारे पास में गिवन है 2 माइनस जेड लाई ऑन सर्कल। तो अगर हम देखेंगे जेड तो ये है, 2 कहाँ पे होगा हमारा, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2 का ही हमारा यहाँ पे हो गया। तो 2 माइनस जेड क्या होता है, 2 माइनस जेड होता है हमारे पास में 2 में से हम जेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जेड की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है और माइनस 3 भी हो सकती है। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो 2 माइनस जेड की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो अब ऑप्शन देखूं अगर मैं, तो हमें ऑप्शन ना बड़े अजीब अजीब से दिए हुए हैं। पहला हमें गिवन है कि सेंटर 2,0 होगा, सेंटर 2,0 और रेडियस क्या हो जाएगी उसकी, 5 के इक्वल हो जाएगी, ओ सॉरी आई मीन 3 के इक्वल हो जाएगी। तो अगेन अगर मैं देखूंगा माइनस 3 से जेड की मैक्स 2 की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 5 के इक्वल है, आई एग्री है ना, और मिनिमम क्या है 1 के इक्वल है। अगर मैं 2 माइनस जेड करूंगा तो ये वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में ये कंडीशन तो ट्रू होती है, बट इस सर्कल के ऊपर हमारे पास में एक पॉइंट आएगा 2 प्लस 3 आयोटा है ना, और अगर हम देखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा क्या है, ये 2 माइनस जेड पे लाई करना चाहिए, इट मींस जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 आयोटा के इक्वल। तो मींस हमारे पास में क्या गया, 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस जेड। तो यहां से सी एक पॉइंट मेरे पास में यहां पे कहेगा इसमें, अगर सर्कल सेंटर 2 रहेगा और रेडियस 3 रहेगी तो एक 2 प्लस 3 आयोटा रहेगा और एक 2 माइनस 3 आयोटा रहेगा। तो मींस अगर मैं देखूंगा तो यहां से जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में प्लस माइनस 3 आयोटा, और आई कैन क्लियरली सी वो इस सर्कल पे लाई करता है, एंड माइनस 5 और 5 भी सर्कल पे लाई करता है। और हमें पता है मींस अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे माइनस 3 पुट करूंगा तो भी क्या होगा, वो इस सर्कल पे लाई करेगा, और जेड इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो भी इस सर्कल पे लाई करेगा। हमें पता है किन्नी भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करने वाला सर्कल एक यूनिक सर्कल होता है। तो मींस अगर ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो वो सर्कल कौन सा होगा, वो यही सर्कल होगा जिसका सेंटर 2,0 होगा और रेडियस 3 के इक्वल होगी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए।